अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं इंशाल्लाह हम सब के लिए दुआ करूँगी। ये मैं बना रही हूँ रोटी, जो हम बच्चों के ब्रेकफास्ट में लेने वाली हूँ। घी और शक्कर डाल के बहुत मजे का बनता है, आप लोग भी ट्राई करो। कुछ भी नहीं, गरम गरम करना रोटी, उसके ऊपर घी स्प्रेड कर देगा, उसके बाद बस खा लेना, बहुत अच्छा बनता। और जैसा इमीडिएटली इसमें से निकाल के इसके रख दे के, और यह है घी जो इस पर डालना, बस इसका काफ़ी है। फिर इसको स्प्रेड कर लेना। फिर इसके बाद ये जो है शुगर है, इसको इसके ऊपर सब आप देखिए, गरम गरम खा के बहुत अच्छा रहता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बैक साइड मतलब अपन वो उसके अंदर वो नहीं रखना, ऑयल नहीं ऐड करना है। ये बच्चों को ऐसा ब्रेकफास्ट में या कभी भी दिल बोला तो मीठा खाना, तो उसके बदले ऐसे शुगर रोटी बनाने से बना ईजी रहता ना। मेरी बात सुन के आप सब एक बार तो भी ट्राई करो। फिर से मैं और एक बता रही हूँ, गरम गरम तवे पे डायरेक्ट। और ये देखिए घी है, ये शहद नहीं है, अच्छी क्वांटिटी में घी डाल लेना, उसके ऊपर स्प्रेड कर लेना चमचे से। फिर उसके बाद शक्कर ले लेना, लाइट, ज़्यादा नहीं, एक दो बार डाल देना जितना अपने फिंगर्स में आ जाता। फिर उसके बाद रोल कर देना, गरम गरम सर्व करना, उसको गरम गरम खिला दे के भेज देना स्कूल को, या नहीं तो घर में अपन भी खा सकते कभी भी टी टाइम में। कपड़े बहुत हो गए एडिटिंग एडिटिंग में, मेरे कपड़े बढ़ जा रहे हैं। आप लोग हाँ तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिए प्लीज़। और ये देखिए मैं कितने कपड़े आज धोई, और टैप भी नहीं आया, कल नहीं आया, आज भी नहीं आया। कल भी कपड़े धोए थे, आज भी कपड़े धोए थे। अमान चले गए, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना ले रही हूँ। ये मैं बनाई रोटी, उसके साथ बनाई मैं अंडा, प्याज का छोटे प्याज कट कर लेके चॉपर में, दो अंडे ऐड कर लेके अच्छे से अंडा रोटी बना के खाई, वो भी खाई, लेकिन मेरे को मीठा सुबह सुबह अच्छा नहीं दिखा, तो फिर से बना लेके खाए। मेरा ये गैस भी बहुत सता रहा मेरे को, सब एक साइड इस साइड में पकड़ा जा रहा। ये था जूस गन्ने का, जागीर गन्ने का जूस बहुत पसंद मेरे को। अचानक बाबा मम्मी भी आ गए थे, तो मैं गन्ने का जूस फिर बाबा को पूछी, बाबा बोले मैं भी पी रहा हूँ। तो हम लोग फिर अचानक आ गए थे, सरप्राइज़ था मेरे लिए, तो मेरे को मालूम भी नहीं था। फिर बाबा को बिठा दी चेयर पे, जूस दे दे के फिर और चार, पहले तो चार ऑर्डर करी थी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा दो तीन ऑर्डर करी। अम्मी को पूछी तो अम्मी बोले मेरे को शुगर बढ़ जाता, मैं तो नहीं पीती हूँ माँ। तो फिर मैं बाबा के वास्ते जूस भी बना के दिए, फिर शाम में स्नैक्स में बोंडे मंगा के दिए थे। अम्मी तो बोले मैं माइक्रोनी खा लेती हूँ, तो बच्चे और अम्मी के वास्ते माइक्रोनी बना दी थी मैं। बहुत अच्छा बना, सिंपल टमाटे प्याज डाल के, और अलग से बॉईल करना मेरे से नहीं होता, मैं हर चीज़ कुकर में जो बनाती हूँ आप लोगों को तो पता ही है, बिरयानी तक मैं कुकर में बना दी। उसके लिए मुझे कमेंट्स तो मिले, अरे कौन बिरयानी कुकर में बनाते बोल के। और ये था फाइनल लुकआउट, उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया मैगी मसाला, इट वाज यमी। अम्मी ने घर से कुछ डो लाया था, उसके हम लोग लुकमियाँ बनाए, अम्मी ज्वेल रहे थे लुकमी, अच्छा था, बहुत यमी बना। कीमा तो घर में बनाए, फिर अम्मी डो लेके आए थे तो उसका लुकमी बनाए, इसको लुकमी बोलते बोल के मेरे को नहीं मालूम था, मैं समोसा समोसा बोल रही हूँ। अम्मी बोले नए जी ये लुकमी है, अच्छा अम्मी। फिर बच्चे मिल के पूरे बैठ के सुकून से चाय नाश्ता कर। अम्मी बाबा तो कंपलसरी शाम के टाइम इवनिंग स्नैक्स का ऐसा भी बनते हैं, इंशाल्लाह शेयर करती हूँ जो भी बनाऊँ। दादी के हाथ के बनाए हुए पत्थर की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर रख दिया, ये देखकर बादशाह ने इनके लिए ये सजा तजवीज की कि वो आग के अलावों में डालकर जला दिए जाएं। ये इम्तिहान का मौका था, मगर इनकी साबित खदमी का वही हाल रहा
इधर उनका आग में पड़ना था कि आग बुझकर उनके जान की सलामती का सामान बन गई। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ से शाम और मिस्र के मुल्कों की तरफ रुख किया और वहां के बादशाहों को तौहीद खुदा को एक मानना और कहना का वास सुनाया। और जब कहीं ये आवाज ना सुनी गई तो अरब के सौबा हिजाज में चले आए। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दो बेटे दिए, बड़े का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम और छोटे का नाम इसहाक अलैहि था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसी हिजाज की जमीन में एक मुकाम पर हमारी इबादत करने और नमाज पढ़ने के लिए एक घर बनाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिलकर खुदा के उस घर को बनाया बनाकर खड़ा किया। उस घर का नाम काबतुल्लाह और बैतुल्लाह। जो मांगे हैं उसे भी कबूल कर लीजिए, जो मांगने से रह गया है अल्लाह उसे भी कबूल फरमा लीजिए। हमारे हाथ छूटने से पहले हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए, उनकी खबरों में नूर भर दीजिए, उनकी खबरों को जन्नत से खोल दीजिए अल्लाह। आमीन आमीन। वाखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वा अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वा अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक। ये था डिनर टाइम। हम लोग पूरे खाने के बाद याद आया मैं फ़ोटो इश नहीं ली बोल के, इसीलिए खाने के बाद की डाली। सो ये जो कुछ भी क्लिपिंग्स में रखी वो सब आप पढ़िए ज़रूर प्लीज़। जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।